We want justice. 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 ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स का पेपर लीक है, जितने भी यहाँ स्टूडेंट खड़े हैं उन सबको पता है कि मॉर्निंग के दिन हर ट्वेल्थ का पेपर उनके पास आ चुका है। ओके, तो मॉर्निंग आप मुझे बोल रहे हैं कि हर पेपर वाले दिन आप लोगों के पास ऑलरेडी सुबह से पेपर बच्चों के पास पेपर थे। अच्छा, और अकाउंट्स का पेपर लीक था। अगर इकोनॉमिक्स का पेपर उसी दिन लीक हुआ और न्यूज में भी चल रहा था, फ्लैश हो चुका था CN18 पे भी और हर जगह भी कि इनके पास पेपर है, तो आप उसी दिन समय कैंसिल करते ताकि सारा डिसीजन फेयर होता। अब वो बच्चे बड़े परेशान हैं, 10 से तब दोबारा पेपर होगा, वो आफ्टर द 16 होगा क्योंकि 16 तक तो डेट शीट है और 28 को बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम है IP के आफ्टर 28। तो इसकी क्या गारंटी है कि CBSE उस पेपर को इस तरीके से रखे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको इस बात का टेंशन है कि ये पेपर जो है बहुत मुश्किल आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या होगा, कौन जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे उनको कौन रीटेस्ट दोबारा We want justice. 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 We want justice.